गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका मैथ की कक्षा के अंदर स्वागत है। आज हम यूनिट 13 स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट। बेटा, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा ब्याज, साधारण ब्याज। देखो प्यारे बच्चों, अब जब हम बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हैं, एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक के अंदर, आप पढ़ना बुक के अंदर। एक राजू नाम का लड़का है, राजू हैज डिपॉजिट रुपीज 100 इन ए बैंक। राजू ने 100 रुपए बैंक के अंदर जमा कराए। फिर नेक्स्ट पिक्चर के अंदर देखो बेटा, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद राजू बैंक के अंदर गया और जो उसने अपना पैसा जमा कराया था वो उसने निकालना चाहा, तो क्या हुआ? फाइंड आउट उसके बारे में पूछना चाहा, तो जो बैंक का मैनेजर है, द बैंक मैनेजर ऑफ द बैंक, बैंक के मैनेजर ने राजू को इन्फॉर्म किया कि आपने 100 रुपए बैंक के अंदर जमा कराए थे और एक साल के बाद अब आपके 110 रुपए हो चुके हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, जो ये डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, फर्स्ट पिक्चर के अंदर जब कोई भी पैसा बैंक के अंदर हम जमा कराते हैं या हम किसी को उधार देते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल। और एक साल के बाद जितना हमें जायदा मिलता है, अब देखो 100 रुपया जमा कराया, जायदा कितना मिला? 10 रुपया। इसको हम कहेंगे इंटरेस्ट। और जो ये 110 रुपीज है, 100 रुपीज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 10 रुपीज मिला के, इसको बोलते हैं बेटा अमाउंट। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अब थैंक यू, बट हाउ डिड माई 100 बिकेम 110 आफ्टर 1 ईयर? अब देखो प्यारे बच्चों, अभी आपने पिक्चर के अंदर देखा, अब देखो मैंने अभी यहां बताया भी है कि जो इस 110 अमाउंट को क्या कहेंगे, अमाउंट। यही है इस पिक्चर के अंदर बताया गया, व्हेन डिपॉजिट मनी इन ए बैंक द बैंक पे सम एक्स्ट्रा मनी ऑन द डिपॉजिट अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं हम? जितना एक्स्ट्रा मिलता है हमें उसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट। अब जो बातें मैंने ऊपर पिक्चर के अंदर बताई है अब आपके सेकंड पेज पे हैं। यहां पर देखो, मनी जो बैंक के अंदर डिपॉजिट कराते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, अब जितना एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है, अब जैसे 100 रुपया जमा कराया, 10 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिला, उसको बोला हमने इंटरेस्ट। और जितने समय के लिए जमा कराया उसको बोलते हैं टाइम। मैंने आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, मैं इसी के साथ आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी डालूंगा, ताकि ये वीडियो देखने के बाद इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, वो नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट वर्कशीट के लिए काम आएगी आपको। अब देखो, जितना पैसा बैंक में जमा कराते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है, मान लो 100 रुपया जमा कराया, 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और जितने समय के लिए जमा कराते हैं हम, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 1.5 ईयर, 2.5 ईयर, 3.5 ईयर, उसको बोलते हैं बेटा टाइम। और जिस एक रेट परसेंटेज होता है बेटा, जिस रेट पे, जिस एक्स्ट्रा पे बैंक हमें पैसा पे करता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सभी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताई हुई है और ये सारी की सारी बातें आपको वर्कशीट 2 के अंदर काम आएंगी। और रेट की क्या पहचान है, ये हमेशा परसेंटेज के अंदर मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको वर्कशीट के अंदर लेके चलता हूं। अब देखो, इसके अंदर भी बताया हुआ है थोड़ा सा, हम इसी वीडियो को देख ले थोड़ा सा। अब जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल लोन। जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल लोन, जो फर्स्ट टाइम पैसा होता है। और जितना हम एक्स्ट्रा पे करेंगे उसको बोलते हैं इंटरेस्ट।
और कितने समय के बाद पे करेंगे उसको बोलेंगे टाइम, और जिस परसेंटेज से पे करेंगे उसको बोलेंगे रेट। अब देखो इस पिक्चर के अंदर मैं आपको बताता हूं, रामू ने 6000 रुपए का ट्रैक्टर परचेज किया लोन लेके बैंक से, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल लोन। आगे देखो, आफ्टर 3 ईयर, अब देखो टाइम आया, इसको बोलेंगे टाइम, रामू रिटर्न लोन अलोंग विद 10% इंटरेस्ट, इसको जैसे ये परसेंटेज का सिंबल है बेटा, ठीक है ना, और परसेंटेज का मीनिंग होता है बेटे 100, जहां पर भी ये परसेंटेज का सिंबल ध्यान से देखो, ये परसेंटेज सिंबल जिस भी डिजिट के साथ लग जाए तो समझ लो वो रेट है। क्या है वो? रेट है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब यही चीजें हमें वर्कशीट 1 के अंदर बतानी है। अब मैं वर्कशीट 1 पे आता हूं। अब देखो, द मनी डिपॉजिट इन ए बैंक इज कॉल्ड, क्या बोला, प्रिंसिपल। द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड, अब जब जितना ज्यादा हम बैंक को पे कर रहे हैं या जितना ज्यादा बैंक हमसे ले रहा है उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। अब जैसे 100 रुपया लिया था, 10 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बैंक, पे हमें पे कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। और जितने टाइम के लिए वो हमने लिया है या हमने बैंक में जमा कराया है उसको बोलेंगे बेटा टाइम। ये थोड़ा वीडियो के अंदर कट गया है, इसको बोलेंगे टाइम। यहां पर टाइम है, आप टाइम मेंशन कर लेना, TIME टाइम, ये टाइम रहा, ये टाइम है। और दी मनी बारोड, बारोड होता है बेटा उधार लेना, वही बात है। एक में तो हम बैंक में जमा कराते हैं उसको तो बोलते हैं डिपॉजिट, जब हम बैंक से लेते हैं उसको बोलेंगे प्रिंसिपल लोन, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा मनी जितना हम बैंक को पे करेंगे उसको फिर वही कहेंगे इंटरेस्ट, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बस छोटी सी वर्कशीट है और मुश्किल से 2-3 पेज हैं, मैंने वीडियो के अंदर कोशिश की आपको समझाने की, और ज़्यादा टाइम की भी नहीं बनी है, मुश्किल से 9 to 10 मिनट्स की वीडियो बनी है आपकी। आप इन पेजेस को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से डिस्कस करो और वर्कशीट 1 को करो, और उसके बाद आज मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो डालूंगा, वो वीडियो जरूर देखना प्यारे बच्चों। जो भी मेरी इस वर्कशीट की वीडियो को देख रहा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो नेक्स्ट वर्कशीट के लिए देखनी अति आवश्यक है, ठीक है ना। बिना इंट्रोडक्शन वीडियो के आपको वर्कशीट 2 अंडरस्टैंड नहीं होगी। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। ओके बेटा।